मैं नदी की अविरल धारा संस्कारों का बीज हूँ जो खुद को तोल रहा हूँ। मैं सजीव CHS बोल रहा हूँ। एनी बेसेंट की ममता मालवीय जी की भिक्षा हूँ। राधा कृष्णन का चिंतन भटनागर की शिक्षा हूँ। मैं नार्लेकर जी से आपकी जनरेशन को परत दर परत खोल रहा हूँ। मैं सजीव CHS बोल रहा हूँ। 7 जुलाई CHBS में हम सभी का पहला दिन। संयोग की बात कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की स्थापना सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में इसी दिन हुई थी। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एक ऐसा स्थान जो सभी प्राकृतिक मनोहारी रूप रंगों को खुद में समेटे हुए है। सुबह सुबह नमोस्तु अनंताय की ध्वनि जब सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल को गुंजायमान करती है, तब तब हमें एक दिव्य ईश्वरीय ऊर्जा की अनुभूति होती है जो CHS को CHS बनाए रखती है। यहाँ का जर्रा जर्रा हमें यह निरंतर स्मरण कराता है कि माता एनी बेसेंट ने कितने प्यार से इस विद्यालय की नींव रखी, इसे पाला पोसा और भारतीय बच्चों की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। CHBS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के छात्रों ने अपनी विशेषता कई अवसरों पर स्वतः सिद्ध की है। मुझे तो लगता है कि ये शेर शायद इन्हीं छात्रों के लिए कहा गया होगा कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। आज जब CHS अपने 121 वर्ष पूरे कर चुका है, तब भी यह चीर नवीन सा लगता है। जिंदगी के भरपूर अनुशासित आनंद का एहसास CHS में किया जा सकता है। छोटी बिल्डिंग CHS का एक प्राचीन तथा अभिन्नतम अंग है, जिसके होने से CHS में ऊर्जा का, चंचलता का, मासूमियत का अनवरत संचार होते रहता है। CHS का प्राकृतिक सौंदर्य एवं हरियाली मात्र मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पक्षियों को भी सहज मोहित कर लेता है। इन सभी के अलावा CHS ने शिक्षा का अन्यतम आदर्श प्रस्तुत किया है। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ CHS हम सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति भी विशेष ध्यान देता है, जिस पद्धति ने हम सभी को लुभाया। CHS प्रेम सौहार्द का जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं, मरम्मत की ज़रूरत उसे पड़ती है जिसकी जड़ें कमज़ोर हों, नींव मजबूत न हो, किंतु CHS की जड़ें तो उसी वट वृक्ष की तरह हैं जो वर्षों से सीना ताने इस प्रांगण में उपस्थित है और लगातार ये अनुभूति कराता है कि CHS जितना नवीन प्रतीत होता है, उतनी ही प्राचीन संस्कृति एवं दिव्य सभ्यताओं को स्वयं में आत्मसात किए हुए हैं। यहां से प्यार जो पाया है वो साकार हो जाए, वो कितना खुशनुमा जो ऐसा ही संसार हो जाए। यहाँ से अलविदा कहना बड़ा मुश्किल है अब लगता, काश के जिंदगी भर बस यहाँ अधिकार हो जाए।
जुबां जिसको सदा गाए अमर वो गीत बन जाए, जहां जाए जब चाहे दिलों में हम समा जाए। ये धरती हो या अंबर हो या बादल हो समंदर हो, ये धरती हो या अंबर हो या बादल हो समंदर हो, कृपा से माँ वासंती की सब ही ओर हम छाए। CHBS से हमने बहुत कुछ सीखा है, अपने से बड़ों का आदर सम्मान, सभी छोटों को प्यार करना, माता पिता एवं गुरुजन की आज्ञा का सम्मान पूर्वक पालन करना। हमने यही सीखा, काम से प्यार करें और प्यार से काम करें। CHBS निरंतर हमें यह सिखाता रहा है कि हम अपने देश भारत के एक अभिन्न अंग एवं भविष्य हैं। CHBS के छात्र प्रत्येक स्थान पर CHBS को सम्मानित एवं गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान करते हैं। शायद यही कारण है कि हमें पुरस्कार मिले ना मिले, हमें सम्मान सर्वत्र प्राप्त होता है। मुझे एक वाकया याद आता है। हाल ही में हम 10 फरवरी को संकट मोचन गए, वहाँ हमने भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया एवं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तत्पश्चात एक महोदया ने हमसे प्रश्न किया कि आप किस विद्यालय की हैं। हमारे वाइस कैप्टन, उन्होंने बताया कि हम सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के छात्र हैं। मैं उनकी बात को कोट करके कहना चाहूँगा, उसके बाद उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि CHBS का तो हर जगह डंका बज रहा है। तभी मैंने लिखा, जुबां जिसको सदा गाए अमर वो गीत बन जाए, जहां जाए जब चाहे दिलों में हम समा जाए। ये धरती हो या अंबर हो या बादल हो समंदर हो, कृपा से माँ वासंती की सब ही ओर हम छाए। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एक ऐसी दुनिया जिसे चाहकर भी कोई छात्र विस्मृत नहीं करना चाहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर CHSian को पता है कि हमारा विद्यालय 4 सदनों में बटा हुआ है, जिससे प्रतियोगिताएं सुचारू रूप से चलती हैं एवं हमारा सर्वांगीण विकास निरंतर होता रहता है। और वो 4 सदन हैं शिवाजी, टैगोर, अशोक एवं रमन क्रमशः, जिनके पहले शब्द यदि मिला दिए जाएं तो हमें एक शब्द प्राप्त होता है जिसे स्टार कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि CHS इज़ द गैलेक्सी इन विच एवरी स्टार शाइन्स द ब्राइटेस्ट। या सरल शब्दों में कहें तो CHS एक ऐसा ख्वाब है जो जिस अवस्था में जिस छात्र को दिखे वो उस अवस्था से निकलना नहीं चाहेगा। अर्थात यदि कोई छात्र CHBS को निद्रावस्था में देखता है तो वो कोई कभी नहीं चाहेगा कि उसकी नींद टूटे और CHS उसे छूटे। कला CHBS का एक अभिन्न अंग है। कला के दम पर ही CHBS का निरंतर मानवर्धन होते रहा है। हमारे विद्यालय में कला के एक से बढ़कर एक शिक्षक एवं छात्र आते रहे हैं तथा CHS को गौरवान्वित करते रहे हैं। उसी का परिणाम है कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में प्रत्येक असेंबली में हमें पुरस्कारों की झड़ियाँ एवं सम्मानों की श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। इन सभी प्रदर्शन के बाद अनवरत न चाहते हुए भी न जाने क्यों राहत साहब का वही शेर हमारे जुबां पर उभर आता है कि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहें, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहें, CHS जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहें। और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहें।